अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे। टीवी 30 इंडिया के समस्त दर्शकों का स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम धर्मचक्र में। आज हम फिर पुनः आपके सामने हाजिर हैं आपके साप्ताहिक राशि फलादेश लेकर, और आज हम मेष राशि के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करते हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए मांगलिक कार्य आदि विवाह आदि का विशेष योग बन रहा है। यदि अगर आपका काफ़ी समय से विवाह आदि में अगर यदि अड़चन आ रही है तो आपका विवाह आदि का शुभ समाचार आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। कुछ मांगलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आपको लाभ होने की संभावना है। कुछ कार्यों में आपको हानि हो सकती है। श्री गणेश आदि के पूजा करें, दीपक जलाएं घी का गणेश जी के सामने, और दूर्वा घास भी गणेश जी को ऊपर चढ़ाएं, जिससे कि आपके कुछ कार्यों में विघ्न पैदा ना होवे। वृष राशि वाले जातक, वृष राशि वाले जातकों के लिए यह समय खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई वस्तु के लाभ का समय है। इस सप्ताह आपको खाद्य पदार्थ या खाने पीने की जो भी अगर आप व्यापार करते हैं, या आपको गेहूं आदि अन्न से जुड़ा हुआ यदि अगर आप कोई व्यापार करने वाले हैं तो इस सप्ताह उसमें सफलता मिलेगी, और आगे आने वाले समय में भी खाद्य पदार्थ से आपको सर्वाधिक लाभ होगा। वाहन आदि से सुरक्षित रहें तथा सावधान रहें। वाहन चलाते समय पर ऐसा ध्यान रखें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना होवे। शत्रु इस सप्ताह आपके प्रबल रहेंगे, अकारण ही विवाद की संभावना हो सकती है, इसीलिए बातों पर भी विशेष ध्यान देते हुए अधिक किसी से बातें ना करें जिससे कि आपके इस सप्ताह में विवाद की स्थिति ना बने। मिथुन राशि वाले, विद्या से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी नौकरी आदि से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि अगर आप किसी कार्य के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आपका कार्य शीघ्र पूरा होगा। यदि अगर आपने कोई नया व्यापार डाला है तो व्यापार की कोई भी बात या कोई भी स्थिति किसी को शेयर ना करें, इससे आपको हानि भी हो सकती है तथा प्रेम संबंध आदि बिगड़ने की संभावना स्थिति बनी रहेगी। यदि अगर आपको ऐसा लगे तो आप मैया की, माँ भगवती की आराधना करें, मैया के चरणों में इत्र आदि चढ़ावें। कर्क राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह धन आदि में हानि का योग है। यदि अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो कुछ आपको हानि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि आपका मन खिन्न रहेगा। यदि अगर आप विद्या के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं तो विद्या का क्षेत्र आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा, व्यापार आपके लिए हानिकारक रहेगा। यदि अगर आप अपने मित्रों के साथ में कोई कार्य करना चाहते हैं तो किसी से भी अपेक्षा ना करें, अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा रखें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह धन आदि मान प्रतिष्ठा के लिए विशेष लाभकारी है। इस सप्ताह कुछ स्थिति पाप की भी बन रही है, इसलिए आपको तीन प्रकार के पाप लगने का योग बन रहा है। कायिक, वाचिक और मानसिक प्रकार के पापों को लगने की आपकी संभावना है। यदि अगर आप ऐसी जगह कहीं जाते हैं तो आप वहां से शीघ्र वापस हो जाएं, इस प्रकार के पापों से शीघ्र मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के पापों में भागीदारी बना सकता है। मौसम आदि की तरफ से आपको पीड़ा हो सकती है। किसी प्रिय वस्तु का चोरी होने का भी भय है, इसलिए इस सप्ताह सिंह राशि वाले विशेषकर अपनी स्थितियों का विशेष ख्याल रखें। कन्या राशि वाले कार्य क्षेत्र आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, कुछ थोड़ा सा प्रभाव है, इसके लिए शिव जी की आराधना करें, गंगे मैया के सामने 11 दीपक जलावें घी के, तथा आपकी कार्य की बन रही योजनाएं फलीभूत भी होंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके स्वयं के सगे संबंधी ही आपके लिए सर्वाधिक कष्ट तथा हानि प्रदान कर सकते हैं। यदि अगर आप नौकरी की
इच्छा रखते हैं और नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपकी नौकरी के लिए भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि अगर आप परिवार से जुड़े हुए हैं तो परिवार के जुड़े हुए कोई ऐसे कार्य ना करें या ऐसी कोई स्थिति में ना पड़े जिसकी की वजह से आपका संपूर्ण परिवार आपका विरोधी हो जावे। तथा आप अपनी मानसिक चर्चा अपने मन की चर्चा आप किसी से भी अपनी बातें शेयर ना करें, इससे आपको ही कष्ट होने की स्थिति पैदा हो सकती है इस सप्ताह। वृश्चिक राशि वाले बुद्धि कौशल से आप अपने समस्त कार्यों को फलीभूत कर सकेंगे। आप यदि किसी स्थिति में यदि अगर आप व्यापार में या किसी कार्य में आप शीघ्र कोई कार्य करना चाहते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा कष्ट अगर आपको महसूस हो रहा हो, आप उस कार्य को सफल नहीं बना पा रहे हैं तो हनुमान जी के 12 नामों का नित्य पाठ करें जिससे कि आपके कार्य में आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की हानि ना होवे और आपका कार्य इस सप्ताह पूर्ण हो जावे। इसलिए हनुमान जी के 12 नामों का पाठ अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यवसाय की स्थितियों से आप इस सप्ताह काफी व्यस्त रहेंगे। कुछ स्थितियों के कारण आपको शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व भोलेपन का प्रयोग ना करें, आपको बुद्धि का विशेष कौशल दिखाना पड़ेगा तभी आप चतुराई के साथ में अपने संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे और आप अपने कार्य को सिद्ध करके आप उसका लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। मकर राशि वाले, परोपकार की भावना ही आपके लिए राजनीतिक योग और राजनीतिक स्थितियों में आपको सफलता प्रदान करेगी। पुरुषार्थ ही आपको सर्वाधिक लाभ प्रदान कर सकता है। किसी प्रकार से आपका मन खिन्न रहेगा। आपके परिवार की स्थिति में भी कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी। विवाह आदि के कारण भी आपको परिवार में कलेश आदि की स्थिति बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मान प्रतिष्ठा धन आदि का लाभ आपको प्राप्त होगा। चल या अचल संपत्ति के लिए आपको कुछ ऋण भी लेना पड़ सकता है जिसके कारण आपको थोड़ा कष्ट भी होगा और आपके परिवार में भी कलह की स्थिति बनेगी। मीन राशि वाले जातक, बुध की स्थिति मीन राशि पर प्रभावित हो रही है जिससे कि जानवर आदि पशुओं को बहुत ज्यादा कष्ट होगा। अग्नि का भय रहेगा। विशेषकर अपने परिवार में हर वस्तुओं का ख्याल रखें जिससे कि अग्नि आदि से सुरक्षित रहें। अगर आप कोई व्यापार आदि के कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह कोई भी कार्य ना करें, इससे आपको हानि की योग स्थिति बन रही है। आपको कोई हानि हो उससे पूर्व ही अपने कार्य को करने से पूर्व सोच विचार कर ही कार्य करें, इससे आपको हानि ना होवे। किसी भी अस्त्र शस्त्र को लेकर कोई यात्रा ना करें, इससे आपको बहुत ज्यादा कष्ट भी हो सकता है। किसी मित्र के भी साथ अगर चले तो व्यवहार से और कुशलता के साथ चलें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की हानि ना होवे। यह था आपके साप्ताहिक 12 राशियों का फलादेश। हम फिर आपको अगले ही सप्ताह मिलेंगे और आपके साप्ताहिक 12 राशियों का फलादेश करेंगे। यदि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है TV30 इंडिया तो शीघ्र उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, लाइक करें और इसके साथ मुझे इजाजत दें। राधे राधे।